एवरीवन, माय सेल्फ गंधर्व वत्स। आज आपको बताने वाले हैं एक एजुकेशनल वेबसाइट का कोस्ट बताने वाले हैं आपको, और जो है इंडियन डेवलपर्स, हम लोग का जो कंपनी चलती है इंडियन डेवलपर्स है, यदि इनसे आप बनवाना चाहते हैं ऐप और वेबसाइट तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे चुका हूँ, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अब देखिए एजुकेशन वेबसाइट, अरे भैया इसमें क्या क्या रहेगा, एजुकेशन ऐप पे मैं कल वीडियो दे चुका हूँ इसी चैनल पे, गंधर्व वत्स और इंडियन डेवलपर्स के चैनल पे, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और ये जो है आपका एजुकेशन वेबसाइट का कोस्ट बता रहे हैं। एजुकेशन वेबसाइट में आप देखिए बहुत में क्या करना पड़ता है, बहुत जो वेबसाइट बनाते हैं पीडीएफ को सेल करने के लिए बनाते हैं। नंबर वन यदि मैं रख दूं तो पीडीएफ क्या सेल करना, पीडीएफ को बनाते हैं क्या चीज के लिए, सेल करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ सेल करने के लिए आप वेबसाइट बनवा सकते हो। और ज्यादातर जो मतलब बनाते हैं, ज्यादातर जो टीचर वगैरह बनाते हैं वो बनाते हैं क्यूज बताइए या टेस्ट बताइए, टेस्ट के लिए बनाते हैं। तो आप सबसे पहले तो पीडीएफ सेल कर सकते हो, क्यूज या टेस्ट अपना ये करवा सकते हो। और थर्ड नंबर के लिए जो बहुत ये बनाते हैं वो अपना कोई चीज लिखने के लिए बनाते हैं, लिखने के लिए मतलब ब्लॉग टाइप से समझिए, तो लिखने के लिए बनाते हैं, उसे बनाते हैं जैसे टेंथ के बाद क्या करें, मतलब करियर के बारे में लिखते हैं, अपना कॉलेज के बारे में लिखते हैं, टेंथ इलेवन ट्वेल्थ के बारे में लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वगैरह मतलब वो सब देते हैं, जितना भी एमसीक्यू वगैरह इसमें लिख देते हैं, ब्लॉग लिख देते हैं, ठीक है, BLOG ब्लॉग लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं MCQ लिख देते हैं, MCQ आपका लिख देते हैं मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब जो रहता है ये सब, मतलब क्वेश्चन वगैरह लिखने के लिए। और आपका थर्ड नंबर में हम लोग दे देते हैं आपका मल्टीपल चॉइस, और एक दे देते हैं क्वेश्चन आपका, ठीक है, क्वेश्चन जैसे आप कोई भी बोर्ड से ही यदि बोर्ड एग्जाम के लिए वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो इसमें बोर्ड एग्जाम हर एक बोर्ड का अलग अलग पैटर्न होता है, उस पैटर्न पे जो आप PDF दे सकते हो, मॉडल पेपर दे सकते हो, वहाँ पे सब कुछ दे सकते हो। तो इस तरीके से वेबसाइट आपका 3 से 4 और बहुत चीज़ हैं, वीडियो भी यहां पे आप डाल सकते हैं, ठीक है, YouTube का वीडियो भी यहां पे आप डाल सकते हो। तो ये सब चीज आपका सब कुछ रहेगा। या आप अपना कोचिंग का बनाना चाहते हैं तो कोचिंग का फुल बायोडाटा डाल सकते हैं, उसमें क्या है, एडमिशन फी कितना है, एक स्टूडेंट में मतलब 8 का कितना फी है एडमिशन फी, और उस पर टॉपर का क्या मार्क्स है, क्या कितना है, सब कुछ आप बता सकते हो। मतलब स्कूल जो है कहां कहां अप्रूव हुआ है, कहां का सर्टिफिकेट मिलेगा आप लोग को, हर एक चीज बता सकते हो, ये सब वेबसाइट पे दे सकते हो। और ये वेबसाइट का जो आपका कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है, आपका जो वेबसाइट का ये कोस्ट लगेगा, ये 5K से स्टार्ट होता है कोस्ट की यदि बात की जाए, और ये इसका तो अनंत तक है, तो बहुत तो मतलब हम लोग 20K तक मैक्सिमम करते हैं, 20K तक अब तक मैक्सिमम हम लोग लिए हुए हैं। तो आपका वेबसाइट के ऊपर निर्भर करेगा जो आप क्या क्या उसमें करना चाहते हैं उसके ऊपर हम लोग डिपेंड। मिनिमम कोस्ट आपको बता दिए 5K लगेगा, और मैक्सिमम कोस्ट बता दिया आपको 20K लगेगा, इतना तक मैं आपका जैसा बोलिए वेबसाइट उस तरीके से हम लोग तैयार कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो जरूर दे लीजिएगा कॉन्टैक्ट नंबर, और ऐप का वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले, एक एजुकेशन ऐप बनाने से कि मतलब क्या कर सकते हैं आप, मतलब कहां से बनवा सकते हैं आप, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कल वाले वीडियो में। तो आप लोग को जो भी दिक्कत है ऑनलाइन अपना बिजनेस को ले जाने में तो वहां हम आपका हेल्प करेंगे, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग लगे रहिए अपना वर्क में कीजिए, हमको डिजिटल बनाना है इंडिया को, तो बनाना है, और आप लोग के साथ हैं हम, सब कुछ में आपके पास हैं हम, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।